नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 हिमाचल। आज नालागढ़ में 13 डोगरा रेजिमेंट के पूर्व सैनिक लक्की 13 द्वारा विजय दिवस को शिरोमणि दिवस की स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। स्वारघाट मार्ग पर स्थित रिवर व्यू होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में हिमाचल के अतिरिक्त पंजाब से भी पूर्व सैनिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कैप्टन मेहर सिंह थे, जबकि हवलदार माया राम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सबसे पहले परिसर में बनाए गए शहीदी स्मारक पर शहीदों को पुष्प पढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद इस क्षेत्र के शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इनमें पंदल के शहीद कुलदीप कौशल के पिता राम सिंह कौशल, दभोटा के शहीद गुरदीप सिंह के पिता मोहन लाल, पंदल के ही शहीद प्रदीप के पिता जागरनाथ कौशल और लोहारघाट के शहीद राम रतन के परिजन शामिल थे। इसके अतिरिक्त नालागढ़ पूर्व सैनिक लीग के संयोजक कैप्टन डी आर चंदेल को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। न्यूज 24 हिमाचल के लिए नालागढ़ से मंदीप राणा की रिपोर्ट। की लड़ाई में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में हमने आज ये गोल्डन जुबली शिरोमणि डे किया जा रहे हैं, और इसके में हिस्सा लेने के लिए हमारे थर्टन डोगरा के दूर दराज से, ऊना से, बिलासपुर से और अपने हमीरपुर से, मंडी से बहुत से सर्विसमैन यहाँ पर पधारे हैं, जो कि बड़े वेस्टर्न रैंक से रिटायर हुए हैं, और सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारा सम्मान बढ़ाया है। हम बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। आज का दिन शहीदों के नाम पर हम जो है यहाँ पर मना रहे हैं। ये नालागढ़ में पहली बार ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है जो कि व्यक्तिगत एक यूनिट के जवान इकट्ठे होकर के, जो कि ज़्यादा नहीं 15-16 की तादाद में हैं, जिन्होंने यहाँ पर आके एक होटल में मैनेजमेंट किया है अपने यूनिट के नाम पर और शहीदों के नाम पर, और सभी जो हमारे वीर सैनिक हैं जिन्होंने कतर की लड़ाई में हिस्सा लिया, जो अभी तक जिंदा हैं, वो यहाँ पर हमने उनको बुलाया, उनको सम्मान किया और हमारा उनका सम्मान बढ़ाया और हमारा उनके साथ सम्मान बढ़ा, और इसको बढ़ने के लिए महसूस करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हम सेलिब्रेशन मनाया है हमने, ये हमारा एक उपलब्धि सन 1972 की है, जिसके बीच में हमारी बटालियन ने शिरोमणि नामक जगह के ऊपर कब्जा करके अपना मतलब विजय प्राप्त की थी। इसके बीच में हमारे एक जेसीओ और 15 जवानों की शहादत हुई है, उनकी याद में हमने ये शिरोमणि दिवस जो मनाया है, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी दूर दराज क्षेत्रों से हमारे यहाँ पर हमारी बटालियन के लोग जो है मंडी के क्षेत्र से, हमीरपुर के क्षेत्र से, ऊना के क्षेत्र से और पंजाब के क्षेत्र से और हमारे नालागढ़ के क्षेत्र से जो उतरते हुए हैं, इन सभी ने उन शहीदों को पुष्प अर्पित किया है। इनका हम यही भगवान से, ज्वाला माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को जो सुख समृद्धि प्रदान करके हमेशा भगवान खुशहाल रखे। हमने ये कार्यक्रम आयोजन जो किया है, ये हमारे और भी हमारी स्टेटों में कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन हमने ये ज़्यादा करके शहीदों के लिए किया है, ताकि हमारे एक समाज के अंदर प्रेरणा जाए कि देश के लिए कुर्बानी करने वालों के लिए कितना मतलब एक महत्व है। धन्यवाद।